दोस्तों 8 साल हो गए हैं मुझे सैलून का काम करते करते, 2016-17। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं झंडे के पास, और झंडा देखो किस तरीके से हुई, मजा आ गया लहराने में। तो ये हमारी जो है लक्ष्मी मैया के लिए ये बन रहा है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु, और मैं एक बार और आपके लिए पिथौरागढ़ के सुंदर पहाड़ से एक और मस्त वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह मार्केट की ओर को। अभी करीब करीब 7 बज रखा है और मैं जा रहा हूँ मार्केट की ओर को, क्योंकि दोस्तों आज ना जो है बड़ा अच्छा दिन है, और आज जो है माँ भगवती कृपा और पंचकोटी देवता सिद्ध बाबा रोहत्य बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी एक और शॉप की ओपनिंग होने वाली है, पहले नॉर्थ को। दोस्तों वो मेरा जो है शनि मंदिर के पास जो है दुकान खुलने वाली है। 2 सैलून मेरे पहले से हैं, और एक सैलून और खुलने वाला है मार्केट में। तो 2 सैलून जो है मेरे, वो मैं बताऊँगा आपको आगे कहाँ है करके। दोस्तों मैं निकलता हूँ मार्केट की ओर को। तो मैं ना फाइनली जो है चंडा के पास पहुंचने वाला हूँ, और यहाँ से भी निकलूँगा फिर गाड़ी में। तो चंडा के पास पहुंचने के बाद ना, ये देखिए ये पहुंचने वाला हूँ मैं चंडाग में रोड के पास, और यहाँ पर कोई ये है गुंजाल जी की बिल्डिंग। ये पहुंच चुका हूँ मैं रोड में। तो मैं पहुंच गया हूँ चंडाग में। हम जा रहे हैं अब मार्केट की ओर को, और इसी बाइक में जाएंगे हम। तो फाइनली दोस्तों जो है खुशी खुशी हम चले गए हैं अब मार्केट की ओर को, और आज से वैसे भी मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि जो मेरे को चाहिए थे मिस्त्री साहब वो मुझे मिल चुके हैं। दुल्हन की तरह जो है यहाँ पर पिथौरागढ़ सज रहा है। देखिए रोड कितनी स्वच्छ हो गई है आजकल, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो बताएंगे हम आपको। देखिए रोड कैसी शानदार बनती जा रही है, और ये देखिए वो जो ये झंडे हैं ये पहचान लो आप लोग। तो 12 तारीख को यहाँ को जो है पीएम मोदी जी आने वाले हैं। नीचे को, हाँ नीचे को। आए हो अब यहाँ? अभी नीचे आया हूँ, यहाँ ठंडी आया।
पहुंच गए आगे, थोड़ा आगे ये मंजिल थोड़ा। हाँ ये कार खड़ी है लाल वाली, हाँ इसी में डाल दो ये, कोई दिक्कत नहीं अपना ये। तो फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं दुकान के पास और मिस्त्री जी यहाँ पर को अपनी बाइक लगा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपनी दुकान के पास। तैयार एक ही है, एक ही है और कल जो इस वाली दीवार में होगी। तो ये हमारी जो है लक्ष्मी मैया के लिए ये बन रहा है ड्रॉर, जो बना रहे हैं आप लोग भैया ड्रॉर को, इसमें कि हम लगेंगे लक्ष्मी। तो बाकी तो ऑल सेट हमारे दुकान कल को हो जाएगी और बाकी जो है हम कल भी अपना वीडियो रखेंगे एक, तो कल पूरी हमारी दुकान कैसे सेट होगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कल ना दोस्तों मैंने दो मिस्त्रियों को भगा दिया था, दिन में आधा दिन काम कराया उसके बाद मैंने भगा दिया था। तो भगाना मेरे को भी अच्छा लगा, लेकिन इसलिए भगाया क्योंकि उनका काम जो था बहुत गलत हो रहा था और जो है डिमांड में पैसों का वो ऐसा कर रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे वो। ये भैया मेरे बहुत खास है, मेरे भाई उसे कहते हैं, इनको टाइम था नहीं मिल सकती, इन्होंने जैसे जैसे करके मेरे लिए टाइम निकाला, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो क्या कहते हैं वो ऐसा समझ रहे थे कि जैसे कि हमको कुछ काम कराना आता नहीं है और मैं ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि मतलब वही यहाँ के लोकल हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कुछ बिहार के लोग काफ़ी गलत भी होते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। और अभी जो है भैया ने जो है वो जिस समय आया था ना उनका काम इतना बेकार था कि मैं आपको दिखाऊंगा, उनका भी क्लिक डाल रहे थोड़ा करके जो भी है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, जिसको भी फर्नीचर का काम कर रहा है मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये भैया जो है मैं उत्तराखंड का सबसे बेस्ट मिस्त्री बोल सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे को वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसको भी फर्नीचर का काम कराना। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है अब चले गए हैं घर की ओर को। तो ये भैया वो चला रहे हैं बाइक और हम चल रहे हैं घर को, काम जो है बाकी अब हमारा कल को होगा मॉर्निंग में। हम अब जो है घंटागढ़ से ऊपर को निकल चुके हैं चंडा की ओर को।
हम पहुंच चुके हैं झंडे के पास और झंडा देखो किस तरीके से हुई, मजा आ गया लहराने में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये होता है हमारे पहाड़ की रोड, देखो और यहाँ पर जो हमारे पहाड़ी आने वाले जो पहाड़ के जो इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कैफे यहाँ पर को 1960 की लाइटें भी जल चुकी हैं और आजकल ना दोस्तों बहुत ही जल्दी जो है अंधेरा हो जा रहा है। अभी जो है 6 भी नहीं बज रखा है और काफ़ी अंधेरा हो गया है। और अभी हम पहुँचे हैं जेल के पास, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने यहाँ पर को जो है मेघना रेस्टोरेंट, जिसका मैं कभी कारीगर हुआ करता था 2012 में। तो फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं अब चंडाक में और काफ़ी रात हो गई है। परसों बाघ भी दिखा था लोगों ने, तो मैं निकलूँगा जल्दी से अब घर को। तो चंडाक से सामान वामान देने के बाद ना मैं निकल गया हूँ घर की ओर को। और दोस्तों परसों यहाँ पर को ना बाघ भी देखा था बहुत से लोगों ने, तो इसकी एक वीडियो मेरे पास आ रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा बाघ है वो। तो दोस्तों ना मैं निकल रहा हूँ घर को और अभी अकेला हूँ, कोई साथ में है भी नहीं, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे बाघ तो आते रहते हैं, हम निकलते हैं घर को। फाइनली दोस्तों मैं घर में पहुँच गया हूँ, काफ़ी रात हो गई है देखिए। और चंडाक जहाँ ये लाइट जल रही है, एक लाइट दिख रही है यहाँ से आया मैं, और देखो ये घर में आने तक कितना अंधेरा हो गया है। और मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली घर में। तो दोस्तों 8 साल हो गए हैं मुझे सैलून का काम करते करते। 2016-17 में मैंने एक काम स्टार्ट किया था अपना, जो मेरी पहली शॉप चंडाक में थी। और चंडाक के बाद मेरी शॉप जो है मुस्टामानो में हुई, और मुस्टामानो के बाद जो है मैं पिथौरागढ़ शनि मंदिर के पास कॉलेज रोड में जो है हमारी दुकान की ओपनिंग होने वाली है। तो दोस्तों अभी तक तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रखा है, और बाज़ार के ही कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि बाज़ार में आप दुकान खोलो। तो दोस्तों देखते हैं कैसा सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं आप। दोस्तों आपको थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय श्री राम।